नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आप यदि गांव में रहते हैं तो आपने मनरेगा के विषय में अवश्य सुना होगा। मनरेगा योजना के माध्यम से गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार गारंटी की सुविधा दी जाती है। इसके अंतर्गत बेरोजगारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसके लिए एक मनरेगा कार्ड भी बनता है। इस कार्ड के माध्यम से परिवार के 5 सदस्यों को रोजगार दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांव में मनरेगा के कार्यों की देखरेख कौन करता है? यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको मिलवाते हैं मनरेगा के कार्यों की देखरेख करने वाले ग्राम रोजगार सेवक से। आज हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फूलपुर उर्फ जगापुर गांव में हमारे साथ हैं ग्राम रोजगार सेवक जवाहरलाल जी। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या भूमिका है मनरेगा के कार्यों में। अच्छा, ये बताइए कि मनरेगा में आप लोगों की क्या भूमिका होती है? मनरेगा में सर, जो श्रमिक हैं, जॉब कार्ड धारक, उनको हम काम देने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो जॉब कार्ड बनता है, इसका क्या मानक है? किस आधार पर कि कौन सा व्यक्ति मनरेगा के काम करने योग्य है या नहीं है? 18 साल से 60 साल की अवस्था में हम लोग जॉब कार्ड बनाते हैं। जो लोग यहाँ गरीब कमजोर वर्ग हैं। गरीब का क्या मतलब? जो जिससे माली हालत कमज़ोर है, बेचारे बाहर नहीं जा सकते हैं, यहाँ वो काम चाहते हैं गांव में, हम उनको काम देते हैं। अच्छा, उनका जॉब कार्ड बना, उनका जॉब कार्ड भी हम अच्छा। लोग बनाते हैं। तो ये बताइए कि महीने भर में एक जो जॉब कार्ड धारक है उसको कितने दिन रोजगार मिलता है? हम साहब 100 दिन काम देते हैं एक साल में। 100 दिन? जी, मतलब कि 365 दिन में से 100 दिन आप काम देते हैं। अच्छा, तो कुल कितना बन जाता है उनका साल भर में? जितने जब वो डिमांड करते हैं कि हमें काम चाहिए तो हम उन्हें काम देते हैं। मान लीजिए किसी ने 100 दिन काम किया, उसको कितना पैसा मिलेगा साल भर के अंदर? अब 201 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलता है सर। अच्छा, 201 रुपये प्रतिदिन, मतलब एक व्यक्ति का श्रम का हुआ। तो अच्छा, ये बताइए कि जो ग्राम सभा की जो समिति होती है, एक तो प्रशासकीय जो समिति है उसका अध्यक्ष प्रधान होता है और उसके अलावा गांव के कुछ लोग मेंबर होते हैं, तो मेंबर्स आते हैं, उनकी कोई भूमिका है? हम गांव के जो मेंबर होते हैं सर, हम जब काम कराते हैं कोई काम के लिए, जो यहां से हम गांव वाले कहते हैं कि ये काम करना है, ये काम ज़रूरी है, चकमार्ग बनाना और कच्चा कार कराना, तालाब खुदवाना, तो हम पहले गांव में खुली बैठक लेते हैं जी। खुली बैठक के माध्यम से प्रस्ताव करते हैं, उसके बाद उसकी आईडी बनवा करके ब्लॉक से काम लेते हैं। कौन कौन शामिल होता है खुली बैठक में? खुली बैठक में जी गांव का प्रधान होते हैं, जो सदस्य हैं वो हैं, और गांव के सभी जनता को बुलाते हैं। अच्छा, मतलब सभी की सहमति से वो काम किया जाता है। अच्छा, जो पैसा है उसका भुगतान की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से? पैसा जी यहाँ जो हम काम कराते हैं, मास्टर रोल जब काम लगा देते हैं जी, उनका मास्टर रोल निकाल लेते हैं। मास्टर रोल निकालने के बाद जब वो काम करते हैं, जो काम करते हैं उनकी हाजिरी भर कर, जो उसके जो काम की MB करवाते हैं, कितना काम हुआ उसी हिसाब से उनको जो है पैसा फीड करा कर पैसा उनके खाते में चला जाता है। ये आरोप लगता रहता है कि मनरेगा के नाम पर बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, मास्टर रोल को भर दिया जाता है और पता लगा कि 10 लोग काम किए तो 50 लोगों का भुगतान होता है, तो इसको मॉनिटर कौन करता है? मतलब प्रधान के अलावा ब्लॉक में जो बैठे हैं वो अधिकारी क्या कभी चेक करने आते हैं? हाँ, समय समय से अधिकारी ADO स्तर के भी आते हैं सर, BDO साहब कभी भी आ जाते हैं सर। सेक्रेटरी प्रतिदिन एक आध बार या दूसरे दिन जरूर आते हैं। अच्छा, महीने में कितनी बार ADO पंचायत आते हैं? सर एक दो बार तो आ ही जाते हैं जी, 2-3 बार। अभी आए थे कभी? हाँ जी, अभी परसों भी आए थे जी। क्या नाम है उनका? इस समय सब ABO कार्यकर्ता अनिल कुमार पाल हैं सर। अनिल कुमार पाल हैं, इस समय उन्हीं के पास चार्ज होगा प्रधान का, क्योंकि प्रधान का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसका मतलब इस समय वो सर्वे सर्वा होंगे, तो आप जो है उनको उनके पास जाके सारी जानकारी देते होंगे? नहीं सर, हम सिंगरेटिक महोदय को देते हैं, हमारे अधिकारी अच्छा। सिंगरेटिक महोदय हैं हमारे, हम उनको देते हैं, उसके बाद हमारे जो APO हैं हाँ उनको देते हैं। अच्छा। उन्हीं के माध्यम से हम सारी चीज़, जैसे उन लोगों की मीटिंग लेते हैं, हम लोगों को जैसे कहते हैं उनके आधार पर हम सब कार्य करते हैं सर। ये जो आरोप लगते हैं कि मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार होता है और मास्टर रोल में गलत एंट्रियाँ होती हैं, ये कैसे होते हैं, इसके आरोप सही हैं?
जी इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं जी, कहाँ आरोप है, क्या है? हम लोग जो काम करते हैं स्वच्छ काम करते हैं। आपकी ग्राम सभा में कितने लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला हुआ है? लगभग जी 200-250 कार्ड, जॉब कार्ड बने हैं सब। जो जॉब लगभग नहीं, मतलब आप तो एंट्री करते हैं? हाँ एंट्री करते हैं सर, इस समय मतलब लगभग हम बता रहे हैं सर, लगभग में लगभग 100-125 आदमी कार्य कर पाए हैं। क्या काम हो रहा है अभी इस समय? तो जी एक तालाब है, तालाब की खुदाई कार्य चल रहा है। अच्छा, तालाब की खुदाई हो रही, कितने मजदूर खोद रहे हैं? 15 आदमी लगे थे। तो 125 कैसे हुए? हाँ सर, 125 लोगों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? नहीं, जो इनके बाद जो दूसरा मांगता है तो उनको, जो मांगते हैं उन्हें काम देते हैं सर। नहीं, आपने कहा कि 125 लोग को रोजगार हम दे रहे हैं, अभी वो गड्ढा जो गढ़ही आप बता रहे हैं खोदा जा रहा है, उसमें आप बता रहे हैं 10-15 लोग काम कर रहे हैं, और लोग कहाँ गए? और लोग जो नहीं, डिमांड नहीं दिए, नहीं काम हो रहा है जो सब। डिमांड का मतलब है कि रोजगार से 15 को अभी मिला है, मांगेंगे जी। हाँ हाँ जी, मतलब जॉब कार्ड 250 के पास है जी, रोजगार 15 को अभी मिला हुआ है आज की डेट में। अच्छा, महीने में कुल कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है? जितना डिमांड देते हैं सर उसके हिसाब से मिलता है। नहीं, आप एंट्री करते हैं ना, आपको जानकारी होगी कि कितने लोगों को महीने में रोजगार मिला, कितनों को नहीं मिला, कितने का भुगतान हुआ, कितने का भुगतान नहीं हुआ, सब आपको पता होना चाहिए। ये महीने में जो भी हमारे पास, हम 15 दिन में 14 दिन में जो है डिमांड देते हैं, 14 दिन पर उनका काम लेते हैं, 14 दिन के बाद उनका डिमांड लगा, उन जो मास्टर रोल लगा देते हैं, उनका पैसा भुगतान हो जाता है। पैसे में भुगतान में उनको कोई कसर नहीं है, हमेशा समय से पैसा मिल जाता है। जो भी डिमांड देता है हम उनके साथ खड़े रहते हैं। किस किस प्रकार के आप मनरेगा के तहत काम करवाते हैं? मिट्टी का कार्य करवाते हैं सब। जैसे क्या? जैसे कच्चा मार्ग बनवाते और क्या करवाते हैं? तालाब खुदवाना, तालाब और वृक्षारोपण कराना। अच्छा, वृक्षारोपण करवाना, कच्ची नाली खुदवाना। वृक्षारोपण के लिए तो जमीन चाहिए, खाली जगह है यहाँ? खाली जगह सर, जो सरकारी जैसे स्कूल है, सरकारी जो है तालाब के किनारे जी, थोड़ा रेलवे लाइन किनारे, नहर किनारे, ऐसी जगह जहाँ निकाल के हम लोग करा लेते हैं। अच्छा अच्छा जी, मतलब कि वैसे कोई आबादी की जमीन नहीं खाली जहां आप इसे कर सकें? आप जो व्यक्तिगत अगर अपनी जगह पर बनवाना लगवाना चाहता है वृक्षारोपण, तो वहां भी लगवा देते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत का क्या सिस्टम है? व्यक्तिगत का सिस्टम वही है जी कि आप जमीन देंगे, हम खुदवा कर लगवा देंगे आपके। उसका रख रखाव कौन करेगा? रख रखाव का जिम्मेदारी जी उनको दे देते हैं कि आपके यहाँ सारा गड्ढा खुदवाते हैं, पेड़ लगवाते हैं, सिंचाई का कार्य जो करा करके जब पूरी तरह से वो जो ठीक ठाक हो जाता तो आपको सुपुर्द करते हैं कि आप देखें। तो पेड़ बड़ा हो जाएगा किसका होगा? जो व्यक्तिगत है जो उसका होगा। मतलब ये है कि जिसके यहाँ पेड़ आपने लगवाया अब वो मालिक हो गया उसका? जी सर। और जो आपने अन्य जगहों पे लगाया उसका क्या, उसकी व्यवस्था? वो जो उसकी देख रेख के लिए हम लोग कुछ करते हैं, वैसे देहात एरिया है जी, बहुत ज़्यादा इस समय सांड वैसे जरूरत है तो काटते तोड़ देते हैं, फिर भी हम लोग उसकी देख रेख करते हैं, कराते हैं। सांड थोड़ी तोड़ेगा, उसको नुकसान होता है। ये खुली जगह है जी, तालाब के किनारा है, उस पर हम इतना खर्च नहीं कर पाते हैं कि उसके लिए हम कोई जो है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में लगभग मनरेगा के लिए कितना पैसा आता है? मनरेगा के लिए पैसा हर महीने? पैसा नहीं आता है साहब, हम लोग जितना कार्य करके डिमांड दे लगाते हैं वही पैसा भुगतान होता है। वही मतलब ये है कि मनरेगा के तहत जितना पैसा रिलीज होता है ब्लॉक से, तो हर ग्राम सभा के लिए होता है? नहीं, हर ग्राम सभा में जो भी मनरेगा के तहत कार्य होते हैं उनके लिए पैसा तो आएगा ना? आएगा ना, भुगतान तो होगा ना? तो आपके यहाँ हर महीने कितना पैसा अमाउंट आता है जो यहाँ भुगतान किया जाता है? अमाउंट नहीं आता सर, हमको इस बात की जानकारी नहीं कि कितना अमाउंट आता है, हम जितना कार्य कराते हैं उसका पैसा हमें भुगतान मिलता है। उसी का होगा भुगतान, अलग से कुछ नहीं होगा। रिटर्न में जो नहीं है नथिंग, मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 10 तालाब खुदवा रहे हो आप, उसमें 15 लोग काम कर रहे हैं। तालाब जब खुदवाते हैं जी, तालाब की पहले जो है टेक्निकल सहायक आता है, उसके नाप करता है,
इतना आप खुदवाना है, इतनी घर मिट्टी निकलवाना है, तो इतना पैसा इसको निकलेगा। उसके बाद हम लोग जो 15 दिन 8 दिन 10 दिन जितना दिन खुदवाते हैं, उसके बाद उसका मास्टर रोल लगाते हैं, वो अगर नापता है कि हाँ इतने का कार्य हुआ है, उसी कार्य पर जो है हम पैसा भुगतान करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब यह है कि जितना काम हुआ महीने भर में आपकी ग्राम सभा में, ठीक है, आप क्योंकि आप एक तरह से इंचार्ज हैं उसके, ठीक है, तो एक महीने में कितने पैसे आए सरकारी की लोगों को जो आपने वितरण किया है ना, लोगों को मिले जो मनरेगा के मजदूर थे, कुल एक महीने में कितना पैसा आता है? 1 लाख 2 लाख 10 लाख कितना आता है? कार्य के आधार पर पैसा आता है। कार्य के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ, बिना कार्य के एक रुपया नहीं आएगा जिले से, है ना, वो रिटर्न में होगा। आप जो आपने काम करवाया, आपने बनाया चार्ट और आपने भेजा कि भाई इतने लोगों ने काम किया है ना, तो उसी के आधार पे वो पैसा आएगा, किसी के कहने से पैसा नहीं आएगा। तो महीने में कितना पैसा आता है? महीने में जितना हम काम कराते हैं उतना पैसा आ जाता है। मतलब आपको जानकारी नहीं? अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए आपको काम करने में क्या समस्या होती है? समस्या साहब कोई नहीं, थोड़ा सा लेबर जी समय जी समस्या ये है कि मजदूरी दर बढ़ गया है, लोग 300 रुपये पाते हैं और 201 रुपये मजदूरी में जो है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब कि निजी तौर पे जो काम करवा रहा है 300 देगा, आप 210 देंगे, 201 देंगे, तो आएगा ही। हाँ जी, ये समस्या बढ़ती है जी। इसके अलावा ये है कि आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं इस काम के लिए, है ना, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए और क्या होना चाहिए कि जिससे कि आपका जीवन और सुलभ हो? सुलभ जी, जीवन तो नरकी है ही, हम लोग इसी में आकर फंस गए हैं, अब क्या करें, समाज की सेवा कर रहे हैं, 6,000 रुपये कुछ होता नहीं है सर। बच्चे तो आपको क्या लगता है, आपको और क्या सुविधा मिलनी चाहिए? सुविधा मिलनी चाहिए हम लोग का भी मानदेय बढ़े। अच्छा, हम लोग भी अपना थोड़ा सा सुखमय जीवन थोड़ा सा चले। क्या क्या होना चाहिए? हर प्रकार का होना चाहिए जी, हमको लोग भी पैसा मानदेय मिले, वेतन मिले, अस्थाई किया जाए, साथ में जो है भाई भविष्य के लिए भविष्य निधि की भी जरूरत हो जी सर, उसके बाद पेंशन भी मिले सर हम लोगों को, हम लोग को अस्थाई किया जाए। ये थे हमारे साथ जवाहरलाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गांव में मनरेगा के तहत कार्य हो रहे हैं और उसमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। हालांकि इनकी अपनी भी परेशानी है, क्योंकि जिस तरीके से 6,000 रुपये में काम कर रहे हैं आज के समय में, उतने परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि ग्राम रोजगार सेवक प्रशासनिक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक रोजगार सेवक रखे गए हैं। इनका मुख्य काम मनरेगा के मजदूरों को काम देने से लेकर भुगतान कराने की प्रक्रिया की देखरेख करना है, जॉब कार्ड बनाना और उसे बांटना, उनके कामों का निगरानी करना, मास्टर रोल भरने के साथ ही भुगतान कराना होता है। इसके अलावा ये ग्राम पंचायत के सचिव के निर्देशों पर अन्य कार्य भी करते हैं। वहीं आजकल ग्राम रोजगार सेवक पर मनरेगा योजना में बिना कोई काम कराए ही फर्जी मास्टर रोल बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला करने के आरोप लग रहे हैं, जबकि इस प्रकार के घोटालों में कई ग्राम रोजगार सेवकों को जेल भी भेजा जा चुका है। इसलिए ग्राम रोजगार सेवकों के लिए चेतावनी है कि वह भ्रष्टाचार करने से बाज आएं और अपने कार्यों का सच्चाई से निर्वहन करें, जिससे ना तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े और ना ही गांव के बेरोजगारों के साथ अन्याय हो। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारएक्सप्रेस.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।